दोस्तों इस शख्स का नाम है इब्राहिम और ये टर्की के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने सर को चिड़िया रखने वाले पिंजरे में बंद कर लिया है और इन्होंने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे का कारण जान के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दरअसल इब्राहिम जो है 26 साल से सिगरेट की आदत से परेशान थे और हर दिन के ये 3 से 4 पैकेट सिगरेट जो है पी जाते थे। इसी सिगरेट की बुरी आदत को छुड़ाने के लिए इन्होंने और इनके परिवार ने ये फैसला किया, इनके सर को जो है एक चिड़िया रखने वाले पिंजरे में बंद कर दिया गया और इसकी चाबी जो है इनकी पत्नी को दे दी गई। इस पिंजरे को तभी खोला जाता है जब इन्हें खाना खाना होता है। वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है। चींटियां हमेशा एक ही लाइन पर क्यों चलती हैं? चलिए इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। दरअसल अगर किसी चींटी को कोई खाना मिलता है तो उसमें से वो एक छोटा सा टुकड़ा उठाती है और अपने घर चली आती है और अपने पीछे एक केमिकल छोड़ाती है जिसे हम फेरोमोन कहते हैं, ताकि बाकी की चींटियां उस केमिकल का पीछा करके उस खाने तक पहुँच पाएँ और अपने घर भी वापस आ पाएँ। लेकिन ये जो फेरोमोन होता है ये बहुत ही जल्द इवेपोरेट हो जाता है, इसी वजह से सारी की सारी चींटियां जो है एक ही लाइन पर फेरोमोन छोड़ती रहती हैं ताकि उस खाने तक भी पहुंच पाएं और अपने घर भी वापस आ पाएं, वरना ये चींटियां जो है अपने घर का ही रास्ता भूल जाएंगी। और एक खास बात आपको बता दें, हर एक चींटी के ग्रुप का फेरोमोन जो है अलग अलग होता है और ये चींटियां अपने ग्रुप के फेरोमोन को अच्छे से पहचानती हैं और उसी फेरोमोन का पीछा करती हैं। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके का और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।